हेलो डियर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है पहचानो अपनी दुनिया में। हमारा जो बेसिक पर्पज़ है इस पहचानो अपनी दुनिया को स्टार्ट करने का, वो बेसिक पर्पज़ है आपको सोशल इश्यूज से अवेयर कराना, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अवेयर कराना, होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में अवेयर कराना। नो डाउट, लाइक जैसे मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उसकी बेसिक केमिस्ट्री आपको समझाता हूँ, बिकॉज जैसे हमारा लास्ट वीडियो था, जैसे कि लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये जनरल अवेयरनेस है कि जो हर जगह हर एक जगह लिखा होता है। अगर आप सिगरेट का पैकेट देखेंगे उसके नीचे भी लिखा होता है, जब कोई मूवी में कोई स्मोक करता है या किसी भी सीरियल में स्मोक करता है वहाँ पे भी लिखा जाता है स्मोकिंग टू इंजरियस टू हेल्थ। ये जनरल अवेयरनेस है। सो मैं इस वीडियो में उस जनरल अवेयरनेस को साइंटिफिक अवेयरनेस से कनेक्ट कर देता हूँ, जिसमें आपको मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि व्हाई इट इज इंजरियस टू द हेल्थ, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, और ऐसे टॉपिक्स के बारे में मेरे पास मेल भी आते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में बताइए, इन टॉपिक्स हमसे डिस्कस कीजिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मंत्रा बायोलॉजी में जो मैं निटके की मैं बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, तो इसके लिए टाइम मुझे ज़्यादा मिल नहीं पाता। इसलिए एज वी डिसाइडेड कि हम 15 दिन में एक बार इस पहचानो अपनी दुनिया पर वीडियो बनाएंगे, एंड एट्स दैट आई एम डूइंग ऑल्सो। और कुछ अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक अगर कोई पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर टाइम पे हमें कुछ चीज़ों से बच के रहना चाहिए, वो सब मैं वीडियो टाइम टू टाइम कवर करता रहूँगा। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि क्यों पानी, जल, H2O हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों भगवान ने सबसे पहले इस वाटर को इतना इम्पॉर्टेंट बनाया है। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप भी हमसे बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग सब हमें कहते हैं कि पानी को जितना हो सके उतना ज़्यादा पियो तो बॉडी स्वस्थ रहेगी। और ये सब हम बचपन में भी पढ़ते थे कि हमारी जो पूरी बॉडी में वाटर अराउंड 60-70% वाटर ही बना हुआ है। क्लियर, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड शायद उसके बारे में हम जानते भी होंगे कि क्यों पानी हमारे लिए जरूरी है। बस मैं आज उन्हीं पॉइंट्स को छेड़ने वाला हूं कि क्यों पानी हमारे लिए जरूरी है। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द हायर लेवल, कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि कहां पानी की जरूरत होती है और कहां तक उस पानी की जरूरत तक फील कर सकते हैं। ओके, सो यही आज हमारा टॉपिक है। देखिए, वॉटर इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जीवन की उत्पत्ति में भी ये लिखा गया है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इवन शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पानी का क्या उपयोग है। बेसिक पानी का जो उपयोग है, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें, तो ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब अर्थ उस जब ओरिजिनेट हो रही थी वहाँ पे, जब जीवन उत्पत्ति की तरफ था, ओके, जीवन जब उत्पत्ति की तरफ था, उस उत्पत्ति की तरफ था, तो उससे पहले अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। हाई इट मीन्स 100 डिग्री से ऊपर हाई टेम्परेचर था, और उस हाई टेम्परेचर में वाटर सस्टेन नहीं कर सकता था, बिकॉज जैसे ही 100 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, तो इस अर्थ के ऊपर वाटर का फिजिकल एग्जिस्टेंस होना बहुत टफ हो गया था। लेकिन भगवान को ये पता था कि इस लिविंग किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, इस अर्थ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, समझ में आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, अर्थ का हल्का सा टेम्परेचर 100 डिग्री से कम कर दिया। अब जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हुआ, उस टाइम ही आपका जो वाटर था वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ गया। अब वो फिजिकल एग्जिस्टेंस से क्या हुआ, देखिए, अब जब वैसे ही वाटर फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ गया, मतलब वाटर इस अर्थ के ऊपर आ गया, देन उसके बाद में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में हमारे एक जीवन का निर्माण हुआ। जैसे एक वाटर जब बना तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, बहुत सारे केमिकल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, मेथिन बना जिससे एमिनो एसिड्स बने, फिर धीरे धीरे RNA बना जिससे स्लोली एंड स्लोली एक पूरी बॉडी का विकास हुआ। अगर इस पृथ्वी पे टेम्परेचर 100 से ऊपर होता मान के चलिए, तो कभी भी वाटर इस दुनिया में एग्जिस्टेंस नहीं कर पाता।
और अर्थ एक लिविंग बॉडी पे, अर्थ पे एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, एक जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसलिए वाटर सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन को बनाने के लिए। अब ये वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है जीवन को बनाने के लिए? बिकॉज इस दुनिया में, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी रिएक्शन चलती हैं, जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, ओनली दे अकर इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं होगा देन कभी भी कोई रिएक्शन नहीं चलेगी। ये आप अपने ज़िंदगी में भी देख सकते हो, हर लाइफ में, हर एक पॉइंट में भी देख सकते हो, हर जगह किसी को भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमेशा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप जब हम आप अगर नॉर्मली हम देखें, मैं ज़्यादा केमिस्ट्री पर ना जाऊँ, तो हम एग्रीकल्चर को देख लीजिए। एग्रीकल्चर में किसान को भी जीवन को अनाज को उगाने के लिए, क्योंकि अनाज भी क्या है, जो पेड़ है वो भी तो जिंदगी है, उनको उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है। आप जब किचन में खाना बनाते हैं उस वक्त भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना पानी के यूज़ के आप खाना नहीं बना सकते। इवन जितना भी रिएक्शन है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को बनाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज हर एक रिएक्शन, हर एक चीज़ पानी की प्रेजेंस में होती है, वाटर की प्रेजेंस में होती है। या आप दूसरा एग्जांपल, या अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें कि एक्वस सॉल्यूशन में ही कोई रिएक्शन कर पाते हैं। इवन केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो जानते भी होंगे कि हमेशा वो सॉल्यूशन बनाते हैं, देन उस सॉल्यूशन से वो रिएक्शन कराते हैं। क्यों नहीं आप सॉलिड की रिएक्शन करा देते, हमेशा सॉल्यूशन बना के रिएक्शन कराते हैं। इसलिए पानी की जरूरी है हर एक क्रिया को कराने के लिए। अगर मैं अब स्टार्ट करूं आपके साथ में, हम मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि कहां से बेसिक से बना हुआ है। देखिए, हमारी जो बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चलती है, और ज़िंदगी की जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए जो इतनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारी बॉडी की सेल्स में चलती है, कोशिका में चलती हैं। और इस कोशिका के अंदर की तरफ एक लिक्विड होता है जिसके अंदर सारी रिएक्शन चलती हैं, और ये लिक्विड में जो वाटर होता है अराउंड 80% होता है, और रिमेनिंग 10 से 15% आपका प्रोटीन होता है, ओके, एंड फिर आपका कुछ लिपिड और समथिंग एल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन है कि ये 80% वाटर जो उसके लिक्विड में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जिंदगी को बनाने वाली सारी रिएक्शन चलती है, मतलब हमारी सेल्स में सारी रिएक्शन उस 80% ऑफ वाटर में चलती है। आर यू गेटिंग मी? 80% ऑफ वाटर, सारी हमारी जिंदगी की रिएक्शन उस 80% ऑफ वाटर में चलती है। तो ये भी सिर्फ 80% वाटर से बना हुआ है। अब देखिए, अगर आप उसका कंपोजिशन में देखेंगे तो 80% वाटर है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो रिएक्शन है वो 80 उसमें भी सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर का ही है। क्योंकि अगर ये वाटर नहीं होगा देन ये रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे, ये रिएक्शंस नहीं होंगी, और ये रिएक्शन जब नहीं होंगी तो जिंदगी कैसे बनेगी, ओके? दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर आपको और अच्छे समझ रहा हूँ कि जब हम कभी कभी, क्योंकि हम जब कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो कुछ समय के बाद में हमें ज़्यादा पानी की प्यास लगती है। वो क्यों लगती है? बिकॉज हमारा पानी की प्यास इसलिए लगती है बिकॉज हमारे जो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, और उस एनर्जी में रिएक्शन में धीरे धीरे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म चलता है तो उस रिएक्शन में वाटर की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें दोबारा से पानी लेना पड़ता है। ये था एक सेल लेवल के ऊपर कि सेल लेवल पे कैसे वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सेम अगर हम और अगर हम थोड़ा सा सेल से लेके अभी हम ऑर्गन के ऊपर आते हैं, तो अगर हम ऑर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम जब वाटर पीते हैं, जब हम पानी लेते हैं, तो 5 मिनट से लेके 2 आवर्स में सारा वाटर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। जैसे ही भी हम पानी पीते हैं उस पानी पीने के बाद में 5 मिनट से लेके 2 घंटे तक सारा का पानी हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के बाद में वही वाटर सारी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसके अलावा ये ब्लड स्ट्रीम में जब वाटर जाता है तो
ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में वो हेल्प करता है। अगर उस हमारे हमारे इस ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में अगर वाटर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, देन वॉट ब्लड का प्रॉपर वे से प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, और जब ब्लड का प्रॉपर वे से प्रेशर नहीं क्रिएट होगा देन बीपी कम या ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? सो ये वाटर ब्लड स्ट्रीम को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ब्लड स्ट्रीम के जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनरली आज के टाइम में 90% लोगों को किडनी में स्टोन का इश्यू होने के चांसेस होते हैं, कि जनरली 90% लोगों को किडनी में स्टोन होता है, ऐसा एक सर्वे में देखा गया है। अब वो जो स्टोन क्यों होता है, वो भी होता है पानी की कमी की वजह से और सही पानी ना पीने की वजह से। बिकॉज हमारे वाटर में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जब वाटर पीते हैं वो 5 मिनट से 2 घंटे तक हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। क्लियर? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। इस वाटर के अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं, ओके? और ये मिनरल्स भी हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब वो ब्लड स्ट्रीम, जब हमारा ब्लड, फिर उसके बाद में ये जो ब्लड होता है किडनी में आता है फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब वही ब्लड हमारे किडनी में आता है फिल्ट्रेशन के लिए, और अगर उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, देन क्या होता है कि वो सारे जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो किडनी को हैंडओवर कर दिए जाते हैं। क्लियर? अब वो सारे जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, किडनी को हैंडओवर कर दिए जाते हैं। अब वही कैल्शियम आपस में डिपॉजिट हो के स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए सिर्फ पानी जरूरत नहीं है, एक शुद्ध पानी होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो पानी शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध का मतलब उसमें जो सॉल्ट्स है वो बहुत हाई जब कॉन्सेंट्रेशन में है, तो अगर वो ब्लड में आ गया, अब ब्लड हमेशा फिल्टर होने के लिए किडनी में ही जाता है, अब वो ब्लड को जरूरत नहीं है इतने हाई आयंस की, जब किडनी उनको एब्सॉर्ब कर लेती है और वहां पे स्टोन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ पानी ही नहीं, शुद्ध पानी होना बहुत जरूरी है। और एक डेटा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे वाटर में जो सॉल्ट का लेवल है, जिसको हम TDS के फॉर्म में मेजर करते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स के फॉर्म में मेजर करते हैं, दैट शुड बी 50 to 300 मिलीग्राम पर लीटर। ये इतना आयंस होने चाहिए। एक्चुअली 50 इज अ स्टार्टिंग लिमिट, 300 इज अ मैक्सिमम लिमिट, एंड ये लिमिट दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और इन लिमिट को डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से इसको कस्टमाइज भी किया जाता है। हम नॉर्मली बात करें तो 300 मिलीग्राम पर लीटर जहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम लिमिट तक भी ना पहुँचे। जनरली अगर आपके यहाँ पे वाटर सफिशिएंट अमाउंट में आता है और आप ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं, देन आपके वाटर में जो TDS लेवल है वो 50 से 150 के बीच में ही हो तो ही सही है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो होगा क्या कि वो अगेन ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और ब्लड स्ट्रीम के बाद में हो सकता है कि किडनी में भी स्टोन कर दे, या किडनी के अलावा अगर वो स्टोन किधर उधर हो गया तो हो सकता है पैनक्रियाज में या किसी इंटेस्टाइन में, वहाँ पे भी सॉल्ट लेवल जम जाता है और जमने की वजह से वहाँ पे स्टोन का इश्यू क्रिएट हो जाता है। इसलिए वाटर का सिर्फ पीना नहीं, वाटर का शुद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, कितना पानी पीना चाहिए, ये तो चलो हमने बताया कि पीना चाहिए पानी, कितना पानी पीना चाहिए। एग्जैक्टली इंडियन स्टैंडर्ड्स की एक लिमिट है कि एक इंडियन दिन में 135 लीटर वाटर, एक दिन में 135 लीटर पर डे कंज्यूम कर लेता है, हर एक्टिविटी में 135 लीटर कंज्यूम कर लेता है इन अ होल एक्टिविटी, जिसमें आपका कुकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया एंड वॉशिंग हो गया, हर एक्टिविटी जो आपको लगती है 135 लीटर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो 100 लीटर में काम चलाता, कोई क्या कहता, मैं 150 लीटर में काम चलाता हूँ, कोई क्या कहता, मैं 250 लीटर में काम चलाता हूँ। देखिए ये लिमिट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, तो ये एक एवरेज लिमिट है कि जनरली लोग
इतना ही जनरली लोग इतना ही यूज़ करते हैं, एंड अगर किसी की लाइफ ज़्यादा लग्जेरियस है तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ वाटर भी बहुत कम मिलता है, जहाँ लोगों को लाइन में लगने पड़ता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे लिमिट और कम हो सकती है। सो ये लिमिट वेरी कर सकती है, बट एक एवरेज लिमिट 135 लीटर पर डे है। उसमें से 5 लीटर निकाला गया है हमारी बॉडी के लिए कि 5 लीटर पर डे हमारी बॉडी को इतना ड्रिंकिंग वाटर यूज देना चाहिए, कि ड्रिंकिंग वाटर का जो अमाउंट है ये है 5 लीटर, कि 5 लीटर ड्रिंकिंग वाटर होना बहुत जरूरी है 5 लीटर। और हमारे यहाँ इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, इसलिए वाटर का इवोपरेशन भी थोड़ा रहता है, बॉडी से वाटर निकलता रहता है, तो इसलिए इसको 5 लीटर तक बोला गया है। एंड जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज है वहीं पे ये जो 5 लीटर की जगह इसको 2 या 3 लीटर तक वो अमाउंट चला जाता है, लेकिन हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए 5 लीटर वाटर होना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, हमारी बॉडी में सभी रिएक्शंस को अच्छे से कराने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि 5 लीटर तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं, हम कितना लेते हैं? आप खुद सोचिए एक बार, हम कितना वाटर हम अपने लाइफ में लेते हैं हमारे एक दिन के अंदर? फिर एग्जैक्टली अगर देखें तो एग्जैक्टली एक सर्वे में ऐसा बोला गया कि जनरली एक इंडियन एक पर्सन मैक्स जनरली 80% लोग सिर्फ 2 लीटर पानी पीते हैं अपने ड्रिंकिंग के लिए, सिर्फ 2 लीटर। 3 लीटर वाटर मतलब कमी है पानी की, तो सोचिए कैसे हमारी बॉडी फ्रेश रहेगी, कैसे हमारी बॉडी हेल्थफुल रहेगी। अब वो 2 लीटर उस वाटर में से, अगर हम 2 लीटर वाटर की बात करें तो 2 लीटर वाटर में से 1.4 लीटर हमारे यूरिन से बाहर निकल जाता है। इस 2 लीटर में से 1.4 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर यूरिन से बाहर निकल जाता है। सो अब कितना बचा? हमारा बचा 600 ml वाटर। तो 600 ml वाटर से कैसे काम चलेगा? हमारी सेल्स को हमारे पूरे दिन की पूरी एनर्जी को वो 600 ml में कैसे मिलेंगी? जिसकी वजह से क्या होता है, हम लेजीनेस फील होती है, नींद आती है, एनर्जी नहीं होती, थक जाते हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब सेल्स को सही अमाउंट में वाटर नहीं मिलता तो सेल्स स्ट्रेस में आ जाती हैं, मतलब तनाव में आ जाती हैं, और तनाव में आने की वजह से वो एक स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी को फील होता है, और स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमें कभी कभी हमारी अपनी लाइफ में हमें स्ट्रेस फील होता है। अब वो स्ट्रेस, अगर हम वो स्ट्रेस देखें तो हम स्ट्रेस डिफरेंट वे से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जनरली स्ट्रेस को एक फिजिकल सिम्टम माना जाता है, कि स्ट्रेस एक फिजिकल सिम्टम है कि जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, बट एग्जैक्टली ये स्ट्रेस फिजिकल है, बट उसके आने का रीज़न हार्मोनिक चेंजेस हैं। हमारी बॉडी में जो हार्मोनिक चेंजेस कब आते हैं? जब हमें कुछ प्रॉपर अमाउंट में कोई चीज़ नहीं मिलती है, अगर हम जैसे हमें कोई स्ट्रेस होता है, हम कोई टेंशन लेते हैं, देन हमारी बॉडी को मजबूरी में वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने पड़ते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है। सेम अब खुद सोचिए, जब 1.4 लीटर वाटर यूरिन में निकाल देते हैं तो 600 ml वाटर सेल्स को कैसे काम कर पाएंगे, सारी सेल्स कैसे उसको यूज़ कर पाएंगी? और जो एग्जैक्टली 5 लीटर वाटर, अगर साइंटिस्ट ने 5 लीटर वाटर रखा है तो उन्होंने कुछ ना कुछ रिएक्शंस को कैलकुलेट करके ही रखा गया होगा। तो 5 लीटर वाटर में से अगर आप 5 लीटर वाटर में से भी अगर 1.4 लीटर अगर आप निकाल दें, मतलब आप 1.4 लीटर निकाल दें, देन फिर भी आपके पास, फिर भी अगर आप देखें तो 3 लीटर से ऊपर वाटर कितना होना चाहिए। अगर आप निकालें कि 5 लीटर वाटर है, हमने 1.4 लीटर वाटर निकाल दिया, ठीक है, 1.4 लीटर वाटर निकाल दिया, तो 1.4 लीटर निकालने के बाद में भी आपके पास अराउंड बचता है 3.6 लीटर। ओके, मतलब ये हो गया 3600 ml, जिसमें से हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं 600 ml। सोचिए कैसे सेल्स की सारी एक्टिविटी काम करेंगी। और फिर हम दोष देते हैं अपने वर्क कल्चर को, फिर हम दोष देते हैं आसपास के लाइफस्टाइल को। देखिए, हम चाहे कुछ अच्छा करें या ना करें, लेकिन कम से कम पानी तो सही अमाउंट में ले सकते हैं। क्या होता है कि हम भूल जाते हैं पानी लेना, ये जनरली लोगों का स्टेटमेंट होता है कि हम काम करते करते पानी लेना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। अब जब पानी पीना भूल जाएंगे तो काम भी कैसे अच्छे से कर पाएंगे? इवन एक सर्वे में ये भी बोला गया है कि जो लोग अच्छे से अमाउंट में पानी पीते हैं
सही अमाउंट में पानी पीते हैं उनको जनरली कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, बिकॉज उस वक्त सेल्स जो होती है स्ट्रेस फॉर्म में नहीं आती हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी जो सेल्स होती है स्ट्रेस में आ जाती है, और कभी कभी जब सेल्स स्ट्रेस में आ जाती है तो वो सेल्स नॉर्मल सेल स्ट्रेस में होने की वजह से कैंसर सेल में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। ओके वैसे बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसलिए वाटर को सही अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर पॉसिबल हो सके तो जनरली अर्ली मॉर्निंग खाना खाने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले 1 लीटर वाटर हमें पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि 1 लीटर वाटर जब हम पीते हैं देन वो पूरा सा, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी में कुछ नहीं होता, हमारी पूरी बॉडी खाली होती है, वो वाटर पूरा बॉडी से फिल्टर होता हुआ यूरिन से निकल के यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो किडनी के अंदर कुछ भी अगर वेस्ट रह गया होगा तो वो सारा साफ हो जाता है। जैसे कहते हैं ना सफाई, जिसम सुबह सुबह क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करने से पहले नहाते हैं, तो नहाते हैं तो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी का अपर स्किन है तो ऊपर ऊपर का साफ होता है, बट अंदर का क्या, तो वही अंदर लेने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है, पानी पीना चाहिए। ओके तो उससे क्या होगा कि वो वाटर अंदर जाएगा और आपकी किडनी से होता हुआ वो पूरा यूरिन से बाहर निकल जाएगा। सो किडनी में अगर कोई वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, तो वो पूरा पानी उसको साथ में लेके बाहर आ जाएगा, और जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, फ्रेश रहेगी। इससे किडनी के होने वाले जो इश्यूज होते हैं, जो डिजीज होती हैं, उनसे आप बच पाएंगे। ओके सो मेरा सजेशन यही है कि जितना हो सके वाटर को सही अमाउंट में लीजिए, जितना अमाउंट में लेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, वीकनेस कम आएगी। और सिर्फ पानी नहीं, शुद्ध पानी लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये शुद्ध पानी को हम कैसे हम कहें कि ये पानी शुद्ध है और कैसे कहें हम अशुद्ध है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि एक्चुअली अशुद्धता और शुद्धता की परिभाषा क्या है। ओके वैसे मेरा फील्ड एक्चुअली वाटर से ज़्यादा रिलेटेड है, तो मैं इसको ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा ये शुद्धता और अशुद्धता की प्रॉब्लम क्या है, क्या है ये अशुद्धता और शुद्धता। हम वाटर को शुद्ध बनाने के लिए अपने घर में रिवर्स ऑस्मोसिस लगाते हैं, RO जिसको हम कहते हैं, जिस जो आपके अशुद्ध पानी को शुद्ध बना देता है। ओके ये एक्चुअली RO के साथ में कुछ गलत फहमियाँ भी हैं आप लोगों की। जिस RO को आप शौक से अपने घरों में लगाते हैं ये नो डाउट पानी को शुद्ध करता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी लेके आता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए भी सही नहीं है। ठीक है मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि एग्जैक्टली ये शुद्धता और अशुद्धता का रोल, और हमारे जो घर में हम जो फैशन से महंगे महंगे RO लगाते हैं एग्जैक्टली वो क्या करता है। ओके और वो कैसे कुछ पॉइंट्स तक वो सही नहीं है, मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ देखने से वो पर्पज़ ख़त्म नहीं होगा जब तक कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं डालेंगे। ठीक है तो फील कीजिए, अपनी दुनिया को पहचानिए, ये दुनिया कुछ नई नहीं है, ये दुनिया आपसे बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ आपको समझाना चाहती है। ठीक है उन चीज़ों को समझिए, जो चीज़ें रहस्य हैं उनको समझिए, स्वस्थ आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, खुश रहेंगे आप। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्ते।